जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी कि OFB रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में, जो कि अप्रेंटिस के 6060 पदों के लिए जारी की गई है और इस भर्ती में ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पर दोस्तों इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँच जाए जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आयुध निर्माणी बोर्ड यानी कि OFB की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अगर आप यहाँ पर मोर सेक्शन न्यूज एंड अनाउंसमेंट पर आओगे तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर आज की डेट यानी कि 1 जनवरी 2020 में देखोगे ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज रिक्रूटमेंट सेंटर। और जैसे ही आप रीड मोर के ऊपर क्लिक करते हो, तो क्लिक करने के बाद आप यहां पर क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ये देख लीजिए दोस्तों, आपके सामने अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मौजूद है। आप यहां पर डेट 31 दिसंबर 2019 चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो आपकी पोस्ट नेम है वो आपकी ट्रेड अप्रेंटिस की है, जिसमें कि आपके 6060 पद निकाले गए हैं अप्रोक्स, जिसमें कि आपके 3847 पद ITI अप्रेंटिस के हैं और 2219 पद आपके नॉन ITI अप्रेंटिस के लिए निकाले गए हैं। नीचे आप यहां पर इसके इंपॉर्टेंट डेट्स चेक कर लीजिए। इसमें जो आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे वो आपके 10 जनवरी 2020 से होंगे और आप लोग 9 फरवरी 2020 रात 12 बजे तक आवेदन कर पाओगे। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट 15 से 24 साल के बीच रखी गई है और जो आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी ये आपकी 9 फरवरी 2020 तक काउंट की जाएगी। यानी कि ना तो आपकी मिनिमम एज लिमिट और ना ही अपर एज लिमिट 9 फरवरी 2020 तक कम ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दी जाएगी और OBC को भी 3 साल की छूट यहाँ पर आयु सीमा के अंदर दी जाएगी। और जो अन्य कैटेगरी है इनको भी यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो छूट मिल रही है आयु सीमा के अंदर वो आप देख सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहां पर जान लीजिए, नॉन ITI कैटेगरी पोस्ट में आवेदन करने के लिए आपसे माध्यमिक यानी कि क्लास 10th स्टैंडर्ड या फिर उसके बराबर, और इसमें इसके अलावा आपसे 50% होनी चाहिए विद 40% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, यानी कि आपके 50% एग्रीगेट होने चाहिए और 40% आपके मैथमेटिक्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट में अलग अलग होने चाहिए। टोटली यहाँ पर आपकी 50% है और अलग अलग में आपके कम से कम 50% होने जरूरी है, तभी आप इस पोस्ट पर आवेदन कर पाओगे। और यहाँ पर आपसे आवेदन करने के लिए सिर्फ 10वीं पास की योग्यता मांगी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसमें आपसे कोई ITI की योग्यता नहीं मांगी अगर आप नॉन ITI कैटेगरी पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो। फिर आती है आपकी ITI कैटेगरी की पोस्ट, इसमें आवेदन करने के लिए आपसे 10वीं पास, साथ ही आप जिस ट्रेड में आवेदन करोगे उसी में आपके पास ITI की योग्यता होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इसको एक बार रीड करके आपको दिखाऊँ तो आप देख लीजिए, शुड हैव पास्ट रिलीवेंट ट्रेड टेस्ट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT या फिर SCVT थ्रू गेजेटेड नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, और बाकी की जानकारी आप यहां पर चेक कर पा रहे हो। फिर है मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स बोथ इन मैट्रिकुलेट क्लास 10th एंड ITI, यानी कि आपके 10वीं और ITI में दोनों में कम से कम 50% होनी जरूरी है। अब दोस्तों यहां पर नीचे चलते हैं और जो यहां पर आपकी वैकेंसी डिटेल है उसके बारे में उन्होंने कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप चाहे तो इंस्ट्रक्शन को चेक कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई यानी कि आवेदन कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपका 10 जनवरी को अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट होता है तो मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे ही फॉर्म फिलअप की वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे चलते इस एप्लीकेशन फॉर्म में और जानते अन्य जानकारी, जैसे कि मोड ऑफ सिलेक्शन यानी कि आपका सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट के आधार पर होगा। दी मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर नॉन ITI एंड XITI कैटेगरी, यानी कि नॉन ITI और XITI कैटेगरी के लिए अलग अलग आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, ऐसा नहीं है कि दोनों को मिलाकर के की जाएगी। यहाँ पर जो आपकी माध्यमिक और मैट्रिकुलेशन यानी कि क्लास 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट वाले कैंडिडेट हैं, इनकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी अलग से जारी होगी। और जो लोग नॉन ITI कैटेगरी ए फैक्ट्री वाइज कॉमन मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार
की जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कितनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका ड्यूरेशन है ट्रेनिंग का वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जो आपका ट्रेनिंग का पीरियड रहने वाला है वो आपका मिनिमम 1 ईयर रहेगा। स्टाइपेंड यानी कि आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, तो उन्होंने आपको एग्जैक्टली सैलरी नहीं बताया बल्कि इन्होंने आपको दूसरे वर्ड में बताया है, जैसे कि ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग। दोस्तों यहाँ पर जो आपकी ट्रेनिंग रहेगी वो 1 साल नहीं बल्कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपकी ट्रेनिंग 3 साल की रहने वाली है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने ये जानकारी थोड़ी स्किप कर दी, पर यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी वो 3 साल की रहेगी। फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग में आपको 70% ऑफ मिनिमम वेजेस ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर नोटिफाइड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी इसके अनुसार दी जाएगी। फिर आपको 80% सेकेंड ईयर दी जाएगी और थर्ड ईयर आपको 90% ऑफ मिनिमम वेजेस सेमी स्किल्ड वर्कर का दिया जाएगा। ये जानकारी आपके सामने क्लियर हो चुकी है। आप यहाँ पर इन रूल्स के अकॉर्डिंग गूगल में सर्च करके जान सकते हो कि एग्जैक्टली आपको क्या सैलरी इसके अंदर मिलने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपको फीस जमा करनी है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। यहाँ पर बेसिकली जनरल और ओबीसी और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी है, और इसके अलावा जो आपकी SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो और ट्रांसजेंडर, इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। ये कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनको फ़ीस देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इस भर्ती के बारे में जो आपकी मेन जानकारी थी वो आपके सामने आ चुकी है और आपको क्लियर हो चुका है कि कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं और कौन लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो दोस्तों यही थी आपकी ऑर्डेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी कि OFB रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।